देश में इस साल बारिश अच्छी हुई है। कई राज्य में बारिश ज्यादा होने के कारण फसलों को काफी नुकसान भी पहुंचा है, पर इस बीच राजस्थान के 12 जिलों के 69 तहसीलों को सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है। ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया है कि राज्य के इन जिलों में सूखा पड़ा है। रिपोर्ट के आधार पर इन तहसीलों के 744 गांवों में खरीफ की फसल में सूखे से 33% या इससे ज्यादा नुकसान का आकलन किया गया है। इसे देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खरीफ 2021 फसल के दौरान सूखे से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए राहत गतिविधियां चलाने और प्रभावित किसानों को एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट और सब्सिडी बांटने की मंजूरी दी है। ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि बाड़मेर की 16, जोधपुर की 10, जालौर और जैसलमेर की 9-9, बीकानेर और पाली की 6-6, अजमेर जिले की 4, डूंगरपुर की 3, सिरोही और नागौर की 2-2, हनुमानगढ़ और चुरू की 1-1 तहसीलों में बारिश कम होने के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। इन सभी जगहों पर नुकसान का आकलन किया गया। इनमें 10 जिलों की 64 तहसीलों को गंभीर सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, जबकि थोड़े कम प्रभावित डूंगरपुर की 3 और नागौर की 2 तहसीलों को मीडियम सूखाग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल में हुए नुकसान से प्रभावित 7 जिलों के 3704 गांवों को भी अभावग्रस्त घोषित करने की स्वीकृति दी थी। राजस्थान में इस बार औसत से कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में 1 जून से 31 अगस्त तक कर सामान्य से 12.30% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। 14 जिलों में औसत से कम बारिश दर्ज की गई। इसके बाद इन जिलों में सूखे के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पर राज्य के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सूखाग्रस्त जिलों के कलेक्टर के वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की थी और हालात का जायजा लिया था। साथ ही उनसे कम बारिश के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा भी लिया था। नुकसान का आकलन करने, सर्वे और गिरदावरी का काम जल्द पूरा करवा कर रिपोर्ट भिजवाने को भी कहा था, ताकि किसानों को जल्द राहत दी जा सके। एक और फैसले में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के दौरान 300 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि से गैर कृषि भूमि के लिए प्रीमियम दरों में 75% तक की छूट दिए जाने को मंजूरी दी है। इससे कृषि भूमि पर बसे लोगों को काफी राहत मिलेगी, उनके लिए फ्री होल्ड पट्टा लेना आसान होगा। माना जा रहा है कि गहलोत के इस फैसले के बाद कृषि भूमि पर रह रहे लोगों में पट्टे लेने के प्रति रुझान बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।